ऑल ऑफ यू, एम एस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई आई टी एग्जाम 2018 का एक सिंपल सा वॉल्यूम का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आपको हेल्प हो पाए। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा, तो सिर्फ कैलकुलेशन होगा। कह रहा है कि वॉल्यूम है और ये दे दिया है अल्फा माइनस पाई है, सो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो पहले हम वॉल्यूम के बारे में सीख लें कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम क्या है। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी होता है, अदरवाइज हम इस तरह से जाएं dx dy dz होते हैं ये चीज़ें हैं। तो dx dy dz है, v इज इक्वल टू पहले में होगा माइनस वन टू वन x की लिमिट हो जाएगी, दूसरे में y का हो जाएगा माइनस वन टू वन हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा ये चीज़ सीख लीजिए। अब तीसरे में z आएगा, तो z इक्वल टू टू और फिर ये z इधर से ले जाइए तो टू माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे फिर dz हो जाएगा कि पहला काम ख़त्म हो गया और ये फिर dx dy हो जाएंगे। तो इसको मॉडिफाई कर लेना है, तो x इक्वल टू माइनस वन टू वन, y इज इक्वल टू माइनस वन टू वन, और ये z हो जाएगा z, और यहाँ से 2, अरे ये उल्टा हो गया, इसको मॉडिफाई कर लीजिए लिमिट, क्योंकि ये जो छोटा वाला है वो नीचे रहेगा और ये बड़ा वाला है ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 2 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 2 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो ये पहले लोअर 2 अपर जाएंगे, तो ये लिमिट आपको चेंज करनी थी यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रख लेंगे। तो ये 2 और फिर यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट dx dy, टोटली मॉडिफिकेशन करिए इसका, x इक्वल टू माइनस वन टू वन, y इज इक्वल टू माइनस वन टू वन और टू माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया ds dy, ये चीज़ें हमें मिल गई। तो अब इसी को हमें मॉडिफाई करना है, समझ में आ रही बात, इसको मॉडिफाई करना है। बट ये याद रखिए, अगर दोनों की लिमिट कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और जब हम इस वाले पोर्शन का कर लेंगे तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा माइनस, अब देखिए क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, रूट टू का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इसका फार्मूला क्या कह रहा है, एक्स बाई टू मतलब वाई बाई टू, ठीक, माइनस चूँकि प्लस होता है बट यहाँ पर इससे पहले ये माइनस है तो सभी माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू मतलब वन हो गया, चूँकि ए स्क्वायर का दो हो गया, दो बटे दो खत्म, और बचा क्या फिर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, तो वाई अपॉन एक्स अपॉन ए है तो दिस इज रूट टू, और इसके साथ में लिमिट आ जाएगी माइनस वन टू वन, ठीक है, ये लिमिट आ गई, इसी पे वर्क करना है। ये तो हो गया आपका दो, इसको सॉल्व कर लीजिए दो मिल जाएगा, अब इस पे बात कर लीजिए। तो अपर लिमिट टू, टू माइनस वन बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, ये चीज़ें होंगी पहली बात, ठीक, और माइनस फिर से ये कर लेता हूँ अभी, अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस टू प्लस वन बाई टू और माइनस साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, ये चीज़ें। अब इसको और मॉडिफाई कर लें तो 2 माइनस वन बाई टू और ये हो जाएगा पाई बाई फोर, ठीक, माइनस ये प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा और ये माइनस पाई बाई फोर होगा, तो माइनस पाई प्लस फिर ये पाई बाई फोर मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब से सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है कितनी, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई दिया हुआ है। तो अब इसी को मॉडिफाई करके आगे का वर्क कर लेना है हमें, देखिए टू, तो दो टू प्लस टू, ये माइनस टू हो जाएगा, टू प्लस टू कितना हो गया फोर, माइनस वन बाई टू माइनस टू वन बाई टू कितना हो गया माइनस वन, देख रहे हैं माइनस वन बाई टू और ये माइनस वन बाई टू, ये दोनों और ये दोनों, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू, ठीक है, दिस इज अल्फा माइनस पाई। अब थ्री सिक्स, सिक्स माइनस पाई मतलब अल्फा माइनस पाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस पाई, ये मिल गया,
मल्टीप्लिकेशन करने पर अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा व्हाट, अल्फा 6, सो दैट आंसर इज 6। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन था क्वेश्चन का, और कुछ नहीं था। तो इसको हम क्लेरिफाई कर लीजिए और आंसर है। सो टेक केयर, थैंक यू।